तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए स्लाइडिंग गेट के गड़ारी को यानी कि चक्के को बैठाने के लिए यहाँ पर जो है कि काटा गया है। और देखिए ये गड़ारी है जो जिसके साथ गुल्ली ठोक करके यहाँ पर सेट की जाएगी जहाँ पर काटा गया था। मार्केट में कई वेरायटी की गड़ारी आती हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से नाप करके यहाँ पर देखिए ग्राइंडर से काटा जाएगा, इसके बाद देखिए यहाँ पर वेल्डिंग मारा जाएगा ताकि ये चक्का जो है अच्छी तरह से सेट हो सके और स्लाइडिंग गेट अच्छी तरह से चल सके। हेलो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन और मैं ज्ञानचंद स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में किस टॉपिक पर चर्चा होगी वो तो आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा होने वाली है स्लाइडिंग गेट के बारे में कि स्लाइडिंग गेट किस तरह से बनाया जाता है। वैसे दोस्तों हमारे यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है जिससे मैं प्रैक्टिकली करके आप लोगों को दिखा सकूं, लेकिन हाँ आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई मुझे स्लाइडिंग गेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए क्योंकि हमारे यहाँ ऑर्डर आ रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए कि किस हिसाब से बनता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ कि स्लाइडिंग गेट किस तरह से बनाया जाता है, उसका नाप किस तरह से लिया जाता है, उसका जो है कि चक्का की फिटिंग किस तरह से की जाती है, ऊपर जो है कि स्लाइडिंग गेट को संवारने के लिए जो होलफांस बनाया जाता है वो किस तरह से बनाया जाता है, सब कुछ ए टू जेड मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो चलिए बिना समय गए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों किसी भी क्लाइंट का स्लाइडिंग गेट बनाने से पहले कुछ आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता होती है जिसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, उसे आप लोग नोट कर सकते हैं। सबसे पहले स्लाइडिंग गेट बनाने के लिए आपको जरूरत होगी चक्के की, जहां पर जो कि चक्का पर जिस पर चलता है क्योंकि स्लाइडिंग गेट में मेन चक्का ही होता है। तो दोस्तों ये जो चक्का होता है ये चक्के जो है कि किसी भी स्लाइडिंग गेट में कितना डालें ये जानने से पहले देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप स्लाइडिंग गेट किसी क्लाइंट का बना रहे हैं उसका वजन कितना होगा। वैसे तो दोस्तों कितना भी कम भी अगर किसी का वजन का हो लेकिन दो चक्के तो कम से कम लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद से दोस्तों उसकी संख्या किस तरह से बढ़ती है वो कुछ इस प्रकार से है, मैं आप लोगों को बताता हूं, उसे आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए मान लीजिए किसी भी क्लाइंट का आप लोग जैसे कि स्लाइडिंग गेट बना रहे हैं और उसका जो है कि वजन यदि 50 किलो से लेकर के करीब करीब 1.5 क्विंटल होने वाला है तो आप जैसे कि उसमें जैसे कम से कम दो चक्के का प्रयोग कर सकते हैं, वैसे भी कम भी रहेगा तो दो चक्का का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। और यदि उससे ज्यादा मान लीजिए कि जैसे कि 2 क्विंटल हो गया, 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल या 3 क्विंटल हो गया तो आप जो है कि उस स्लाइडिंग गेट में 3 चक्के का प्रयोग कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा हो गया अगर मान लीजिए कि 4.5 क्विंटल 5 क्विंटल 6 क्विंटल या फिर उससे ऊपर जाने लगे तो आप लोग 4 या 5 चक्के का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जैसे वजन पर डिपेंड करेगा, वो तो जब आप लोग गेट बनाएंगे तो आप लोगों को खुद अनुमान लग जाएगा कि जिस क्लाइंट का मैं स्लाइडिंग गेट बनाने वाला हूं उनका वजन कितना जाएगा, उस हिसाब से आप लोग चक्का ले सकते हैं पहली बात। दूसरी बात आती है उसका रेल बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि स्लाइडिंग गेट जिस पर ढगरता है तो उसके नीचे रेल की आवश्यकता होती है। उसमें देखिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहले आप लोग जैसे कि 6 सूत की जो है कि सरिया ले सकते हैं जो प्लेन गोल वाली होती है, और उसके बाद चैनल आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर जैसे कि ये है ना तो ये 1 3.5 की पाइप है, लेकिन जो चैनल होता है कुछ इसी मॉडल में आता है लेकिन उसके नीचे का ये वाला हिस्सा इधर का ये वाला नहीं होता, बकिया ये अगल का और बगल का ये ऊपर का रहेगा। समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब ये प्रोसर रहेगा और ये नीचे का नहीं रहेगा, ये रहेगा। और दोस्तों उसके बाद जो है कि आपको चाहिए जैसे कि चक्का को इस पर डगरने के लिए 6 सूत वाली सरिया जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों जब नीचे का रेल बनाया जाता है किसी भी स्लाइडिंग गेट का तो दोस्तों उस जैसे कि चैनल के ऊपर कुछ इसी प्रकार से बीचों बीच जो है कि इस सरिया को इस तरह से लगाया जाता है ताकि इस पे जो है कि चैनल का जो गड़ारी है ना वो जैसे पूरी तरह से ढगर सके, मतलब जो स्लाइडिंग गेट का गड़ारी है वो पूरी तरह से इस पे ढगर सके, तो इसीलिए बनाया जाता है, मतलब कि इसका जो है कि सरिया का इस तरह से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो जो चैनल गेट में मतलब जो चैनल गेट में चैनल का जो फ्रेम बनाया जाता है ना, आप लोग चैनल अगर बनाए होंगे तो आप लोग जानते हैं कि उसका रेल किस तरह से बनाया जाता है, जिस पर ढगरता है तो चैनल का फर्मा किस तरह से बनाया जाता है, तो उस तरह से भी मतलब आप बना सकते हैं। तो उसके लिए आप जैसे चैनल का फर्मा ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, इसमें भी बनाएंगे तो भी सही रहेगा, अगर उसमें बनाएंगे तो भी सही रहेगा, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह आती है कि जो चैनल का जो हम लोग फ्रेम लें मतलब जो है कि जो स्लाइडिंग गेट का जो फर्मा बनाए वो कितना बड़ा बनाए, तो दोस्तों
देखिए जितना भी चौड़ा आपको गेट बनाना होगा ठीक उससे दुगुना, यानी कि मान लीजिए किसी भी क्लाइंट का जब आप लोग गेट नाप रहे हैं और उसकी चौड़ाई कितनी है 6 फीट, तो आप लोगों को जो चैनल बनानी होगी वो 12 फीट बनानी होगी, क्योंकि दोस्तों जानते हैं कि 6 फीट तो वो जैसे कि वो दरवाजे की ओर रहेगा और 6 फीट बाहर निकला रहेगा, तभी तो आप जैसे ढकेल करके गेट को बगल में कर सकते हैं। तो ठीक उसका दुगुना चाहिए जितना भी उसका जैसे कि दरवाजे का जैसे चौड़ाई रहेगी। ठीक, इसके बाद ऊपर का होल फांस बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों जानते हैं नीचे का जब आप लोग बना लेंगे तो ऊपर भी तो स्लाइडिंग गेट को जैसे कि जब आप ढकेलेंगे तो वहां से भी तो क्रॉस होना चाहिए और साथ ही साथ वो गिरना भी नहीं चाहिए, उसको भी बनाना है। तो उसके लिए कम से कम 2 बैरिंग की आवश्यकता होगी। बैरिंग कौन सी ले सकते हैं उसे मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए जिस तरह से मेरे हाथ में ये बैरिंग नजर आ रही है, इसी तरह से बैरिंग लेना है, लेकिन उसी होल जो है कि वो कम रहती है, इसमें तो थोड़ा ज्यादा है, मतलब सैंपल दिखा रहा हूँ, मतलब ऐसी ही बैरिंग लेनी है, मतलब उसका होल कम रहेगा, कम से कम 6 सूत के आसपास उसका अंदर का होल होता है, कुछ इसी प्रकार से बैरिंग लेनी है उसके ऊपर का होलफास बनाने के लिए। और होलफास किस तरह से बनाया जाता है, कुछ इसी प्रकार से लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि जब हम लोग स्लाइडिंग गेट बनाते हैं किसी क्लाइंट का ना, तो जो ऊपर क्या होता है कि जो कि पट्टी मोटी वाली लगाते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं मैं उठाकर दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये वाली मोटी पट्टी है जो ना, इसी को लगाया जाता है। तो जो चैनल का होल फांस हम लोग बनाते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं कि जो यहाँ पर रहता है ना कुछ इसी प्रकार से रहता है। तो जब स्लाइडिंग इसको ढकेला जाता है तो जब इसमें जाता है तो ये बैरिंग नाचती है, तो इसे अगल बगल मतलब ढकेलता है कुछ इसी प्रकार से। और होल फांस की सेटिंग किस तरह से होगी वो तो मैं अब आपको वीडियो में बताऊंगा ही। तो दोस्तों ये हो गई बैरिंग, और उसके बाद जो है कि ऊपर जो है कि चैनल के गेट को संभालने के लिए, मतलब वो स्लाइडिंग गेट को संभालने के लिए उस मोटी पट्टी की आवश्यकता होगी जिसे मैंने अभी दिखाया, और वो भी कितनी चौड़ी चाहिए, जितनी चौड़ी गेट होती है उतनी चौड़ी उसकी आवश्यकता होती है, तो उसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। और जो गेट बनाना है वो तो छड़ में बनाना होगा या फिर चादर में बनाना होगा या फिर पाइप में बनाना होगा, वो तो जैसे क्लाइंट के डिमांड पर डिपेंड करता है, मतलब कि हम लोगों को स्लाइडिंग में जो एक्स्ट्रा चीजें चाहिए वो जो है उसे मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों स्लाइडिंग गेट बन जाने के बाद जैसे उसे जब बंद किया जाता है तो या तो उसमें जैसे आप लोग हैंड रैप का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब जो जो सिटकुनी होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, उस हिसाब से बंद कर सकते हैं, या फिर जो शटर में लॉक लगाया जाता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, वो सब सेटिंग वहीं पर जाकर करनी होती है तो वहां पर उसे सेटिंग कर सकते हैं, या फिर जो यल कुंडा आता है उसकी भी सेटिंग करके आप लोग जैसे कि दरवाजे को खोलने बंद करने वाले हिस्से को आप लोग बैठा सकते हैं, मतलब कि क्लाइंट जो है कि आराम से बंद कर सके और खोल सके कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों इतनी चीजें हो जाने के बाद अब मैं आपको बता कि स्लाइडिंग गेट किसी भी क्लाइंट का बनाना होगा तो उसका नाप किस हिसाब से लेंगे और कितना बड़ा बनाएंगे। तो दोस्तों जब भी किसी भी क्लाइंट का स्लाइडिंग गेट बनाना होगा तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि पहले उनकी जो है कि लंबाई चौड़ाई नाप लीजिए। वैसे तो दोस्तों जो स्लाइडिंग गेट अक्सर लगती है वो बाउंड्री में लगती है, तो बाउंड्री में लगने का मतलब ये है कि आप लोग जानते हैं कि अगल बगल पिलर रहता है, दीवार खड़ी रहती है, इसके बाद स्लाइडिंग एक और लगता है, एक और ढकेला जाता है, एक और बंद किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहां पर जैसे घर में जैसे घर का जो मेन दरवाजा होता है वहां पर भी स्लाइडिंग गेट का प्रयोग होता है। तो जैसे कि बाउंड्री में हो या फिर जैसे कि सामने जैसे दरवाजा लगाना हो, अगर सामने की तरफ अगर दरवाजा में अगर आप लोगों को स्लाइडिंग गेट बनाना हो तो सबसे पहले उस क्लाइंट की जो है कि लंबाई चौड़ाई नापिए कि दरवाजे की लंबाई चौड़ाई कितनी है। अब जितनी भी लंबाई चौड़ाई होगी उसमें जैसे कि 4-4 इंची कम से कम ज्यादा बढ़ा करके आप लोगों को बनाना है, यानी कि यदि आप किसी क्लाइंट का गेट नापने गए और उनकी हाइट 6 फीट आ गई और चौड़ाई 3 फीट आ गई, ठीक है, तो आप लोगों को ऊंचाई में 6 फीट 4 इंची करनी है और चौड़ाई में भी आपको 3 फीट 4 इंची करनी है, ताकि जो कि जो 4 इंची हम लोग बढ़ाएं तो 2 इंची अगल और 2 इंची बगल, साथ ही साथ 2 इंची ऊपर 2 इंची नीचे अच्छी तरह से ढक सके, ताकि जैसे कि दरवाजे के आर पार दिखाई न दे, इसलिए जैसे कि 4-4 इंची लंबाई चौड़ाई में बढ़ा करके करनी है, ठीक है। और यदि बाउंड्री की बनानी होगी तो बाउंड्री की ऊंचाई जितनी भी होगी सेम टू सेम ऊंचाई वही ले लेनी है, या फिर क्लाइंट से पूछ लेनी है कि भैया ऊंचाई इससे ज्यादा रख लूं या फिर इससे कम रख लूं, तो जो जैसा कहेंगे वैसा आप लोग उसमें कर सकते हैं। अगर आप लोग जैसे कि अगर 3-3 इंची भी बनाना चाहते हैं तो उसे भी आप लोग बढ़ा सकते हैं, कोई रोक नहीं है, ये जैसे क्रिया नहीं कि सिर्फ 2-2 इंची ही बढ़ाएं, आप लोग चाहे तो 3-3 इंची भी बढ़ा कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो सेम कर सकते हैं, लेकिन दरवाजा अच्छी तरह से तोपाया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर दिखना चाहिए, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से भी नाप लेकर के कर सकते हैं। मैं तो अपने अनुभव से जो है कि कुछ एक्स्ट्रा बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, अपने मर्जी से भी आप लोग थोड़ा दिमाग लगा करके उसमें कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि स्लाइडिंग गेट में चक्के की सेटिंग की किस तरह से जाती है। तो दोस्तों उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि यदि आप किसी का एंगल में बना रहे हैं तो आप जो है कि गड़ारे की सेटिंग
कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, जहां पर मैं बगल में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए ये जैसे एंगल के पास, जैसे ये पाइप में ही बना हुआ गेट है, लेकिन अगर एंगल में आप कर रहे हैं तो गड़ारी की सेटिंग कुछ इस प्रकार से ही आप लोग कीजिएगा, जहां पर ये आप लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन यदि आप लोग पाइप में सेटिंग करना चाहते हैं, अगर किसी का पाइप में स्लाइडिंग गेट बनाया है, तो उसमें किस तरह से की जाएगी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि चक्का को सेटिंग करने के लिए मार्किंग मारी जा रही है। ये जो है कि पाइप की स्लाइडिंग गेट है जो कि तैयार है, अब इसमें चक्के की सेटिंग की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए चक्के की जितनी भी चौड़ाई होती है उसको आप लोग नाप सकते हैं, जितनी भी होगी उससे एक इंची बढ़ा करके जो है मार्किंग मारी जाती है, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर चक्के की सेटिंग की जाती है। तो यहाँ पर देखिए मार्किंग मारा गया है, अब यहाँ पर जो है कि इसे ग्राइंडर से काट दिया जाएगा। जितना भी मार्किंग मारा गया है करीब करीब 3.5 इंची के आसपास है, और वो जो है कि काट दिया जाएगा। इसके बाद जो है कि उसमें चक्का की सेटिंग की जाएगी। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि इसकी कटिंग की जा चुकी है, और यहाँ पर जो है कि अब मैं चक्के की सेटिंग थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए चक्का जो है कि मार्केट में कई तरह से आते हैं फ्रेंड्स, जिसमें से ये भी एक तरह का चक्का है। कुछ में बैरिंग डाल करके सेटिंग की जाती है, कुछ इसी तरह से आते हैं, कई तरह के चक्के आते हैं जिसे हम लोग सेट करते हैं स्लाइडिंग गेट में, जिसमें एक ये भी है। तो दोस्तों इसे सेट करने के लिए यहाँ पर वेल्डिंग मारा जा रहा है ताकि गुली इधर उधर भागे ना। फिर यहाँ पर देखिए बरोबर मार्किंग मार करके बीच, इसके बाद जो है कि इसमें जो है कि इसे काट करके उस जैसे कि गुल्ली को सेट की जाएगी। इसमें यहाँ पर ग्राइंडर से इसको दोनों हिस्से को काट करके फिर इसके बाद गुल्ली को डालने भर जगह इसमें बनाया जाएगा, ताकि जो है कि गुल्ली इसमें से अच्छी तरह से पहन सके। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसकी कटिंग किस तरह से की जा रही है, और इसकी कटिंग देखिए एक कुछ इस प्रकार से हो जाने के बाद अब इसमें गुल्ली जो है कि डाली जाएगी। यहाँ पर जो चक्का है उसे सेट किया जाएगा, और उसके बाद टाका मारा जाएगा। दोस्तों वैसे तो आप लोग देख रहे हैं कि जो पाइप है वो जो है कि उतना ठोस नहीं रहता, जहाँ पर कि ये पूरा वजन जैसे सह सके। हालांकि वजन तो सह सकता है, लेकिन फिर भी इसकी गड़ारी की सेटिंग करने के बाद जो आपकी 1.5 इंची की जो पटरी आती है, जो 2 सूत मोटी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, उसको जो है कि यहाँ पर सेट किया जाता है काट करके। देखिए अभी उसमें बैठाया जाएगा, देखिए जैसे कि ये चक्का आपका बैठ गया, फिर इसे थोड़ा सा 2 सूत ऊपर से काटा जाएगा। देखिए यहाँ पर जो कटिंग हो रही है वो 2 सूत ऊपर से कटिंग की जा रही है। अभी देखिए इसके कटिंग हो जाने के बाद यहाँ पर जो है कि पटरी बैठाई जाएगी। यहाँ पर देखिए वो जो पटरी है वो 1.5 इंची वाली है, जो कि 2 सूत मोटी होती है। तो देखिए उसे कुछ इस प्रकार से कटिंग करके, जिस तरह से इसमें कटिंग की गई उसी प्रकार से उसमें भी कटिंग हो रहा है। कटिंग कर देने के बाद जो है कि इसमें लगा करके मतलब कि वेल्डिंग की जाएगी। तो अभी जो है कि सारा प्रोसेस जो है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कटिंग हो गई, और यहाँ पर देखिए 2 सूत मैंने ऊपर करके इसीलिए काटने को कहा था, ताकि जो है कि बरोबर बैठे और वेल्डिंग जो है पटरी में और गुल्ली में भी हो सके, और साथ ही साथ अगल बगल से भी यहाँ पर वेल्डिंग हो सके, जहाँ पर वेल्डिंग कुछ इस प्रकार से की जा रही है। तो चक्की की सेटिंग दोस्तों इसी प्रकार से की जाती है, विधिवत से वेल्डिंग मार करके इसकी सेटिंग की जाती है, क्योंकि इसी पर सारा लोड रहता है, तो इसे ठोस रहना चाहिए। ये सब हो जाने के बाद दोस्तों अब आप लोग देख रहे हैं कि अब जैसे गेट गिरे ना, उसके लिए ऊपर जो है कि संभारने के लिए यहाँ पर 1.5 इंची की पट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों चूंकि ये गेट हल्का था, इसीलिए यहाँ पर 1.5 इंची की पट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। आप लोग अगर हल्का गेट रहे तो 1.5 इंची का पट्टी का प्रयोग करें, अन्यथा जो मैंने मोटी पट्टी दिखाई थी ना 2 इंची वाली, मतलब जो 2 इंची होती है और 3 सूत मोटी होती है, उसका प्रयोग कीजिएगा अगर भारी गेट रहेगा तो। हल्का के लिए जो है कि 1.5 इंची की पट्टी सही है, लेकिन अगर भारी रहेगा तो उसके लिए तो आप लोग जो है कि उसका मोटी वाली पट्टी का प्रयोग करिएगा। तो दोस्तों इस तरह से सेटिंग हो जाने के बाद अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए यहां पर ऊपर का अल्फांस जो है कि गेट को संभालने के लिए किस तरह से सेट किया जा रहा है। दोस्तों चूंकि यहां पर जो है कि 1.5 इंची की पटरी सेटिंग की गई थी, तो यहां पर 1.5 इंची का माप लेकर के यहां पर इस बैरिंग को सेट कर दिया जा रहा है, ताकि जो है कि गेट को संभाल सके। लेकिन अगर आप लोग जो मोटी होती है 3 सूत वाली, अगर उसका प्रयोग करेंगे तो 3 सूत हला करके जो है कि इस बैरिंग को सेटिंग किया जाएगा, और सेटिंग करने के बाद जो है कि कुछ इसी प्रकार से इसमें होल मारा जाएगा, जहां पर आप लोग देख रहे हैं। होल मारने के बाद दोस्तों इसकी सेटिंग जो है कि बैरिंग की किस तरह से की जाएगी, आप लोग देखिए। यहाँ पर पाइप में होल मारने के बाद यहाँ पर जो है कि 5 सूत का छड़ जो है कि इसमें डाल करके इसमें जो है कि सेटिंग
किया जा रहा है। और ये जो है कि जब सेट हो जाना तो ये जो है दीवार में जाम होगा ताकि ऊपर का जो भार होता है ना उसे संभाल सके और गेट इसके अंदर से जा सके। उसके लिए दोस्तों जब बैरिंग की सेटिंग की जाती है तो 1 इंची ऊपर देखिए करके सेटिंग की जा रही है ताकि जो है कि ये होल्डफास थोड़ा ऊपर उठा रहे और इसके बीच में से पटरी जाए, और बीच में जाने का मतलब है कि उसे संभारे भी रहे और साथ ही साथ बैरिंग घूमने के कारण स्लाइडिंग गेट आगे पीछे भी हो सके। उसी लिए तो आप लोग देख रहे हैं कि इसकी सेटिंग किस तरह से की जा रही है। आप लोग भी जब सेटिंग कीजिएगा तो कुछ इसी प्रकार से कीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों 1.5 इंची की पटरी जो लगाई गई थी तो यहाँ पर 1.5 इंची की पटरी की सेटिंग की गई है। अगर आप लोग जैसे 3 सूत मोटी वाली पटरी का यूज करेंगे तो उसका सेटिंग उस हिसाब से किया जाएगा, मोटी पटरी के हिसाब से। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए स्लाइडिंग गेट की सेटिंग कुछ इस प्रकार से कर दी गई है। देखिए कितनी स्मूथली चल रही है, आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे जो है कि उसी प्रकार से रेल ओल सब कुछ जाम कर दिया गया है, जैसा कि मैंने दुगुना बताया था उसी तरह से करना है। और यहाँ पर देखिए बंद करने के लिए कुंडी का प्रयोग कर दिया गया है। तो दोस्तों चूँकि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर तो देखिए कुंडी सेट की गई है, लेकिन आप इसके स्थान पर जैसे कि हैंड्रॉप भी सेट कर सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पर जो शटर का ताला मिलता है उसका भी सेटिंग जैसे कर सकते हैं बाहर से बंद करने के लिए, ताकि कोई ताले से बंद कर सके तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि आपकी इच्छा है, आप जो सेटिंग करना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से कर सकते हैं, या फिर क्लाइंट से पूछ करके कि कौन सा चीज़ लगे वो जो आपको इजाज़त दें उसी के हिसाब से आप जैसे क्लाइंट का बना सकते हैं कुछ इस तरह से। इतना हो जाने के बाद दोस्तों ज़रा ऊपर की सेटिंग आप लोग देख लीजिए, जहाँ पर स्लाइडिंग गेट गिरे ना वहाँ की जो सेटिंग की जा रही है, वहाँ पर बैरिंग देखिए। यहाँ पर देखिए ये 1.5 इंची की पटरी प्रयोग की गई है तो उसी प्रकार से सेटिंग किया गया था। और दोस्तों होल्डफास देखिए, चूँकि ऊपर जहाँ पर इसे सेटिंग किया जाना था वहाँ पर ऊपर देखिए एक जो है कि पिलर का छज्जा जो है सामने से गया था, तो वहाँ पर जो है कि उसी हिसाब से देख करके इस होल फास की सेटिंग की गई है। देखिए फासनर बोल्ट के माध्यम से वो लगा करके यहाँ पर देखिए जाम किया गया है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर ये छज्जा नहीं निकलता तो आप किस तरह से सेटिंग करते उसे समझिए। तो उसके लिए दोस्तों क्या किया जाता है कि इसके जो बाएँ साइड है उस होल फास को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है ताकि जो है कि दीवार में जा कर के वो जाम हो जाए, मतलब दीवार में जा कर के जाम हो जाए और उसके बाद जो है कि स्लाइडिंग गेट की जब सेटिंग हो तो उसी प्रकार से चले। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं कि ये जो होल्डफास ऊपर का बना है जिस नक्शे से उसी तरह से आप भी बनाएं, मतलब कि इसे आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं कि जैसे ये स्लाइडिंग गेट टिकनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि स्लाइडिंग गेट का वजन जो है कि ले ले और जो है कि स्लाइडिंग गेट इसमें से अच्छी तरह से पास हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर चूंकि ये लागू हो रहा था तो इसे इस तरह से लागू किया गया। अगर कहीं पर किसी और तरीके से होल्डफास बैठाया जाता तो वहाँ पर दिमाग लगाकर किसी और तरीके से इसे सेटिंग की जाती। उम्मीद करता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग उसी प्रकार से करिएगा। तो दोस्तों ये आप लोग देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह से जा रही है। और यहाँ पर देखिए रोकने के लिए यहाँ पर लगाया गया था ताकि जो है कि गेट आगे ना जा सके, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब बैरिंग के आगे जाएगा तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर किस तरह से कुंडी बंद करने की लगी है। तो दोस्तों स्लाइडिंग गेट कुछ इसी प्रकार से बनता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि स्लाइडिंग गेट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई जानकारी आप लोगों को लेनी है तो आप लोग हमसे ले सकते हैं, कमेंट करके मैं आप लोगों को जानकारी अवश्य दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।